दरभंगा में छिनैती के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। झपटमारों में पुलिस का खौफ न के बराबर होता जा रहा है। इसी के चलते झपटमार गिरोह की सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। एक महिला बाइक के पीछे खड़ी है कि तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आते हैं और महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। महिला की चीख से जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, बाइक सवार युवक आंखों से ओझल हो जाते हैं। महिला उनका पीछा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन सब नाकाम। सेठानी मार्च के आगे सेठानी से सभी गले सेठानी से 10 कदम आगे बढ़ी हूँ, पीछे से कुछ लगा मुझे कोई आया, मैं घूमी तो मेरा चेन खींच लिया, ब्लाउज फाड़ दी और भागा। चेहरा से पहचाने कि नहीं? अभी रुक जा। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का दम भी भर रही है। इस पे हम लोगों ने कल रात में भी चिन्हित किया है कुछ लोगों को, कुछ सस्पेक्ट लोग चिन्हित हुए हैं और कुछ दिन पहले भी एक क्रिमिनल इसमें जेल गया था, एक हफ्ते पहले भी, और कुछ लगता है 2-3 क्रिमिनल भी बचे हुए हैं जो फिर कल की घटना हुई है। तो जल्दी ही इस कांड का निवेदन होगा और जो भी इसमें इन्वॉल्व है गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्यों कुछ हुई है पिछले एक हफ्ते के अंदर और जल्दी ही इनका निवेदन होगा, जल्दी गिरफ्तारी होगी तो पूरी तरह लगाम लग पाएगी। हालांकि 10 दिन पहले ही रमाशीष पासवान नाम का एक अपराधी चेन स्नैचिंग में जेल गया है, लेकिन उसके साथ कुछ लोग बचे थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक होना बाकी है। पुलिस भले ही झपटमारों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि झपटमारों में पुलिस का खौफ कितना है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक छिनैती की इन घटनाओं पर शिकंजा कस पाती है। दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।